अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू दिल्ली स्टाइल रेसिपी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ यखनी पुलाव बनाने की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो बोंग का गोश्त। अगर आप यखनी पुलाव या बिरयानी बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए आप बोंग का गोश्त ले लें, इससे बहुत अच्छी लज्जत आती है बिरयानी या पुलाव में। इसके अलावा ये मैंने 650 ग्राम के करीब चावल लिए हैं, इन्हें मैं अभी 1 घंटे के लिए पानी में भिगाने वाली हूँ। अगर आप 1 किलो गोश्त ले रहे हैं तो आप 600 या 650 ग्राम चावल लें, उससे ज़्यादा हरगिज़ न लें। जितना आपने गोश्त लेना है तो होता है उसका 2/3 चावल लेते हैं। इसके अलावा ये मैंने पिसी हुई सौंफ ली है 3 चम्मच, 4 चम्मच साबुत धनिया, लहसुन और अदरक, जिसे मैंने अदरक को मोटा मोटा काट लिया है और लहसुन को भी पीसा नहीं है क्योंकि हमें इसको डाल के सिर्फ उबालना है, पेस्ट नहीं बनाना है। इसके अलावा ये मैंने प्याज ली है, ये मैंने मोटी मोटी काट ली है, इसको भी बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ इसको उबालना ही है। इसके अलावा ये बड़ी इलायची के बीज हैं, ये लौंगे हैं 8 से 10, और ये काली मिर्चें हैं, ये 15 से 20 होंगी। हमें इसमें जावित्री, जायफल, ये चीज़ें, तेज़पत्ता वगैरह नहीं डालते हैं। बस इसमें यखनी में हम यही चीज़ें डालेंगे, 3 चीज़ें डालेंगे, बड़ी इलायची के बीज, लौंग और काली मिर्च। इसके अलावा ये 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। अब मैं ये सब चीज़ें कुकर में डाल के आपको यखनी करना सिखाऊंगी। उसके बाद जब हम चावल चढ़ाएंगे उसका मसाला जो भी पड़ेगा वो मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं मैं कुकर में डालने जा रही हूँ। सौंफ, धनिया, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, लहसुन, अदरक, ये गरम मसाला जो मैंने निकाल के रखा था, बड़ी इलायची के बीज, लौंगे और काली मिर्च, नमक 1 चम्मच ले रही हूँ मैं अभी तो, लेकिन चावलों में फिर हम इसका जो पानी है उसको चख के फिर चावलों में दोबारा से अगर कमी रही तो हम डालेंगे ये प्याज। और अब मैं इसको पानी में डाल के इसको मैं चूल्हे पे रखने जा रही हूँ कुकर का ढक्कन लगा के। हम करेंगे ये कि जब ये उबल जाएगा सब कुछ तो ये जो जो हमने चीज़ें इसमें डाली हैं, ये सौंफ, धनिया, प्याज वगैरह, पहले बोटियाँ अलग करेंगे फिर ये पानी जो है इसमें से अलग करके छान लेंगे। ये यखनी होने के लिए मैंने कुकर जो है गैस पे चढ़ा दिया है। माफ़ी चाहती हूँ कि आपको पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, एक्चुअली देयर इज़ अ कंस्ट्रक्शन वर्क इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस एंड वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट, सॉरी प्लीज़ इग्नोर। ये मैंने यखनी चढ़ा दी है, इसको कुकर को बंद कर दिया है मैंने और गैस नीचे जला दी है। जब मेरी सीटी बोल जाएगी तो मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए आधी में आँच करके इसको कुकर को उसके ऊपर रखा रहने दूंगी। बोटियों को गलते हुए 15 मिनट हो गए थे और मैंने इनको खोल दिया था। ये बोटियाँ पहले मैं इसमें से पानी में से अलग करूंगी और जो पानी के नीचे जो ये आपको सौंफ धनिया नज़र आ रहा है इसको भी हमने बिल्कुल छन्नी से छान लेना है। बोटियाँ मैंने अलग कर ली हैं और ये पानी मैंने इसको छान लिया है। और अब मैं आपको चावल दिखाने जा रही हूँ जो कि 1 घंटा मैंने भिगो लिए थे। अब मैं चावल चढ़ाने जा रही हूँ और जो चावलों में जो सामान पड़ेगा मैं वो दिखाने जा रही हूँ आपको। ये जो रेसिपी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ ये हमारी वालदा साहिबा की रेसिपी है जो वो बिल्कुल इसी तरीके में पकाया करती थी। मैंने बहुत से लोगों का यखनी पुलाव देखा है लेकिन मैंने ये रेसिपी किसी के पास नहीं देखी। अब जो मैं चावल चढ़ाऊंगी भगोने में उसके लिए मुझे चाहिए ये 1 बड़ा कटा हुआ प्याज, इसे आपने बारीक काट लेना है, 1 पूरा भर के आपने लहसुन अदरक की कटोरी मैंने ली है, इसमें तकरीबन 2 गांठे मैंने प्याज की, माफ़ कीजिएगा, 2 गांठे मैंने लहसुन की और 1 3 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का पीसा है। इसके अलावा ये ज़ीरा है 1 चम्मच, इलायची है 8 से 10, लौंगे हैं 8 से 10, और ये नमक है ये 1/2 चम्मच लिया है क्योंकि हम यखनी में नमक पहले ही डाल चुके हैं, पानी में नमक आ गया है। और ये 1 चम्मच चीनी है, हम इसमें चीनी भी डालेंगे।
अगर आपका मन ना करे चीनी तो चीनी ऑप्शनल है, आप चीनी ना भी डालें, लेकिन इसमें चीनी हम तो डालते हैं और चीनी इसमें पड़ेगी। ये 3/4 गिलास मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, क्योंकि अभी तक हमने बोटियों में कहीं भी घी या रिफाइंड ऑयल नहीं डाला है। अभी हमने बोटियों को पानी में सिर्फ उबाला था मसाला डाल के, तो इसलिए मैं 3/4 गिलास ये रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ। अब मैं इसमें ये प्याज, सफेद इलायची, जीरा और ये लौंग एक साथ डाल के हम इसको फ्राई कर लेंगे, जब तक प्याज हमारी लाल ना हो जाए। फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के बुनाई करेंगे। प्याज लाल हो गई है और अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको भूनूंगी। पहले हमने लहसुन अदरक भून लेना है, फिर मैं इसमें बोटियां डाल के बुनाई करूंगी। हो सकता है तो कुछ लोगों को मेरी रेसिपी थोड़ी अलग लगे, लेकिन ये रेसिपी जब हम बनाते हैं तो बहुत ही शानदार बनती है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर से सावधानी की। और ये जो लहसुन अदरक मैं भून रही हूँ, अभी जब ये भून जाएगा तो फिर मैं इसमें बोटियां भूनूंगी। ये लहसुन अदरक भून चुका है और अब मैं इसमें बोटियां डाल के भूनने वाली हूँ, ये देखिए। और जब मैं इसमें बोटियां भूनूंगी तो ये बहुत ही अच्छी प्यारी सी खुशबू इसके अंदर आएगी। अभी कम से कम 2-3 मिनट में ये बोटियां भूनूंगी। मैं समझ सकती हूँ ये जो पीछे से आवाज़ आ रही है आपको बहुत डिस्टर्ब कर सकती है, बहुत डिस्टर्बिंग है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मैं अभी ये बोटियां भून रही हूँ, फिर जब इसमें से खुशबू आने शुरू हो जाएगी तब मैं इसमें चावल डालूंगी, नमक डालूंगी और जो पानी हमने छान के रखा है वो हम इसके अंदर डालेंगे। ये बोटियों में से खुशबू आने शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं घी और मसाला बिल्कुल अलग हो गया है। और अब मैं इसमें चावल डालूंगी और फिर उसके बाद जो है इसमें पानी डाल के हम नमक और चीनी डालेंगे। मैं इसमें अब चावल डाल रही हूँ, ये जो मैंने पानी छान के रखा था मैंने आपको दिखाया था ये मैं इसमें डालूंगी। हमें इसी पानी में चावलों को गलाना है। इसके अलावा ये नमक आप जब डालें, जब यखनी का पानी चख लें, क्योंकि नमक जो है तेज भी हो सकता है और फीका भी हो सकता है। इसके अलावा ये चीनी, वैसे मैंने 1 किलो गोश्त में 1 चम्मच नमक डाला था, लेकिन जो पुलाव है बिरयानी टाइप की चीज़ें होती हैं इनमें थोड़ा नमक 1 चम्मच एक नंबर थोड़ा तेज़ी अच्छा लगता है। और मैं आपको बता दूं मैं इसमें जर्दे का रंग भी नहीं डालूंगी, क्योंकि हम पुलाव बना रहे हैं, बिरयानी नहीं बना रहे हैं। पुलाव जो होता है वो सफ़ेद होता है, गोश्त का पुलाव है, यखनी पुलाव है, इसलिए हम इसमें जर्दे का रंग नहीं डालूंगी। चावल जो है ये फूल के ऊपर को आ गए हैं, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा कसर है चावल गलने में, तो मैं इसको अभी तकरीबन 1/2 घंटे के लिए इसको दम पे लगाऊंगी। ये यखनी पुलाव हमारा तैयार है, मैंने इसको 1/2 घंटे के लिए चावलों को दम पे लगाया था और हमारी जो चावल हैं गल गए हैं, देखिए बिल्कुल सेला चावलों का मैंने पुलाव बनाया था। और अब मैं इनको सर्व करने जा रही हूँ। यखनी पुलाव हमने सर्व कर दिया है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुझे आपकी दुआओं की बेहद ज़रूरत है, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन माई YouTube चैनल दिल्ली स्टाइल रेसिपी।